क्या महसूस किया कि आपने एक अपने नए इस नए सिलसिले में आए? जी भाई, मतलब कन्वेंशनल काम तो सारी दुनिया करती है, तो उसमें आपको पता ही जो कन्वेंशनल कामों में प्रॉफिट रेट भी वैसा ही होता है, तो वन शुड गो फॉर इनोवेशन। तो हमने तो थोड़ा स्टडी किया, कुछ दोस्तों से मशवरा किया, कुछ हमारे वो समीडा के हैं डॉक्टर अदनान साहब, उनके मशवरे से तो वी थॉट कि इसके लिए हमें जाना चाहिए। दो लोगों की नज़र में ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और शायद अयाशी थी, लेकिन सो फार सो गुड। मतलब जानवर अच्छे आए हैं, प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा है और ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स कम है, क्योंकि दो गाय के बराबर एक गाय दूध दे रही है और खा वो डेढ़ के बराबर रही है, तो ज़ाहिर है ये प्रोडक्शन के लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी मैं नहीं कुछ कहता कि हम बहुत कामयाब हैं, दिस इज़ स्टार्ट ऑफ बिजनेस, तो एक अगले एक साल में हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि कहाँ हम खड़े हैं, बट सो फार सो गुड, चीज़ें अच्छी हैं और ठीक जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में और कितनी ज़रूरत है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और लगाए जाएं? बस ये तो सर हमारा नया एक्सपेरिमेंट जो है ये लोगों के लिए आई ओपनर है, और वंस लोगों को इस पे बिलीव हो जाए कि ये तजर्बा कामयाब है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड सेटर है, हर बंदा इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, जो हाई यील्ड जानवर हैं, जो इम्पोर्टेड जानवर हैं, उनसे अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है तो आप उसको 45 डिग्री गर्मी में मार नहीं सकते, ना आप उसको मतलब उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, ना उससे रिप्रोडक्शन ले सकते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर द कंट्रोल शेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप ये समझते हैं कि हमारे नए आने वालों के लिए अगर कोई पैगाम आप देना चाहें कि उनको किस तरह इस काम को स्टार्ट लेना चाहिए और कैसे करना है? जी भाई, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कन्वेंशनल गायों से जिनकी प्रोडक्शन थोड़ी है निकल के आपने हाई प्रोडक्शन जानवरों की तरफ जाना है, तो शायद कंट्रोल शेड के अलावा मुमकिन नहीं है कि आप उसे प्रोडक्शन ले सकें, और उसको आप महंगा जानवर खरीद के ला के ज़ाया करेंगे, ना उसको रिप्रोडक्शन के काबिल होगा। आपने देखा है जानवर का बहुत लॉस हुआ है, जो माजी में ऑस्ट्रेलिया से जानवर आए, बहुत से आए, लेकिन उनको गर्मी में रख के आप लोगों ने मारा, तो उन्होंने काम मुकम्मल फेल ले रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म फेल हुए हैं। तो अगर कामयाबी लेनी है तो उसके लिए एनवायरनमेंट का बंदोबस्त करें। अगर आप पोल्ट्री के कंट्रोल शेड्स में गए ही हैं ना, तो जब जाने के बाद आपने देखा कि हर चीज़ सही जा रही है, तो लाइक वाइज मेरे ख्याल में दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड, तो आपको इस तरफ आना ही पड़ेगा।